मेरा मन भगवान में लगने लगा, मुझे भगवान में ध्यान लगने लगा, मेरा मन संसार से भटने लगा, किस संत के संग ने, बस आप समझ जाइएगा कि उस संत का उस चुंबक ने आपको खींच लिया। अब आप आंखें बंद करके आंखों पे पट्टी बांधकर उस संत को गुरु बना लीजिए, ये पक्का प्रमाण। और आखिरी प्रमाण, लास्ट आखिरी प्रमाण, वो क्या है कि संत के पास एक बहुत बड़ा धन होता है, लेकिन वो छिपा कर रखता है धन, किसी को पता ना चले, जैसे आप लोगों, ठीक है। तो वास्तविक संत कभी किसी को दीक्षा भी नहीं देता, तो ये चार बातें संतों में नहीं होती, ये बात समझ गए। अब बस थोड़ी सी बात और है, भले ही 5 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन आज मुझे विषय को खत्म करना ही है, इसे ध्यान देकर के सुनिए, बस 5 मिनट का विषय और, अब ध्यान दीजिए 5-10 मिनट। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप डर जाते, अगर कोई ऐसा करे, आपको डराने की बात करे, ऐसा करो बेटा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उसी समय आप जो पैरों में जूते चप्पल पहने रहते हैं ना, ऐसे बाबाओं की उसी समय पिटाई किया करे। खुद संत बने हैं और हम लोगों को हमारे अमंगल की बात करते हैं, ये संत नहीं होते। संत का तो वो काम है क्या, तब जाकर के संत दीक्षा देता है, इसी को दीक्षा देना भी कहते हैं। हाँ, आजकल तो ये आडंबर चल पड़ा है हमारे संसार में, बाबा लोगों ने कान फूकते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं, हाँ? छोटे छोटे बच्चों के कान फूके जाते हैं, मंत्र दीक्षा दी जाती है छोटे छोटे बच्चों के, और क्या देते हैं, मंत्र देते हैं कान में, और फिर कहते हैं जैसा ये मंत्र दिया वैसे उच्चारण करना संस्कृत में, हाँ? क्या पता आप लोग भी बैठे, बुरा नहीं मानेंगे जो मैं बता रही हूँ, आप किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे, तो शास्त्रों में कहा गया उसी के अनुसार बता रहे हैं। तो ये जो गुरु लोग आजकल मंत्र देखते हैं, आप लोग क्यों नहीं पूछते बाबाओं से क्या दे रहे हैं, ज्ञान कर देगा बिना हमारी साधना के। इसलिए वास्तविक महापुरुष के यहाँ ये सब आडंबर नहीं होता, वास्तविक महापुरुष कभी भी किसी को आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि आशीर्वाद देने का मतलब है जीव का कल्याण कर देना। अरे देखो हमारे यहाँ तो हजारों संत हुए, अनंत संत हो गए धरती पर, तो क्या आज तक किसी संत के अगर आशीर्वाद देने से काम चलना होता तो संत लोग कितने हुए हमारे धरती पर, क्या किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं सबको आशीर्वाद दे देता हूँ, जाओ सब जीवों का कल्याण हो जाए, सब गोलोक चले जाए, ऐसा कभी किसी ने आशीर्वाद दिया? अरे संत तो हमारे कल्याण के भूखे हैं, कोई एक संत खड़ा होकर के बोल दे मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सब भगवान के प्रेम को पालो छुट्टी, हमें कुछ करना ही ना पड़े, कभी आपने ऐसा सुना है कि संत ऐसे आशीर्वाद देते हो? अरे भगवान ही दे देना बैठे बैठे आशीर्वाद कि मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ सबका कल्याण हो जाए, क्यों आते हैं संसार में, इतना कष्ट भोगते हैं, हमारी इतनी गालियां सहते हैं संत लोग, भगवान आते हैं इतना गालियां अपमान सहते हैं, काहे को आते हैं भगवान, काहे को आते हैं संत, बैठे रहो अपने गोलोक में आशीर्वाद दे दो बस। बताओ कभी ऐसा हुआ है क्या, आशीर्वाद देने से कभी किसी का काम बना है? क्योंकि आशीर्वाद अधिकारी को देते हैं संत और भगवान, क्योंकि आशीर्वाद देने का मतलब कि जिस क्षण संत आशीर्वाद देता है उसी क्षण जीव का कल्याण हो जाना चाहिए, तुरंत भगवान मिल जाने चाहिए, और बिना अधिकारी बने वो कैसे करेगा। इसलिए संत के आशीर्वाद को पाने के लिए पहले हमें अधिकारी बनना पड़ता है, उसकी बताई वो जो साधना बताता है उसकी बताई साधना करो, साधना करते करते ध्यान दीजिए, साधना करते करते जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब जा करके वो संत कहीं भी होगा, चाहे वो धरती पर है, चाहे वो सशरीर है चाहे नहीं है, सशरीर होना संत का जरूरी नहीं, अगर हमने संत की बताई साधना कर ली, उन संत की वाणी को मान लिया, फिर वो कहीं हो ब्रह्मांड में भगवान के लोक में हो, वो जहां होगा आपका कल्याण कर देगा, बस उसकी बताई साधना करो। आपको कहने की नहीं है, इसको समझ लीजिए, फिर मैं प्रवचन को विराम दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय, ध्यान लीजिएगा। पहली बात, अगर आपको किसी संत को पकड़ना है, पक्का प्रमाण बता रहे हैं, हाँ, अगर आप किसी वास्तविक महापुरुष को पकड़ना चाहते हो इस संसार में,
तो पहला प्रमाण कि जब हम किसी संत का सत्संग करते हैं तो उसकी वाणी में एक अलौकिकता होती है। बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कल बताया ना कि संत का प्रत्येक कार्य कौन करता है, स्वयं भगवान करते हैं। संत कुछ नहीं करता, उसका हर कार्य भगवान करते हैं। भले हमें दिखाई देता है कि संत बोल रहा है, लेकिन वास्तव में उसके माध्यम से भगवान बोलते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी संत का सत्संग करते हैं, उससे भगवान का ज्ञान श्रवण करते हैं, तो उस संत की वाणी में अलौकिकता होती है कि जब हम उसकी वाणी श्रवण करते हैं तो उसकी वाणी का हमारे अंतःकरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे अनादिकाल की शंकाओं को वो संत दूर कर देता है ज्ञान दे करके। यही बात अगर कोई संसार का व्यक्ति कहेगा उसकी बात का असर हम पर नहीं होगा, माँ कहे पिता कहे उतना नहीं होगा, लेकिन वही बात अगर संत कहता है तो उसकी वाणी चूंकि भगवान की वाणी होती है तो सीधा अंतःकरण पर प्रभाव डालती है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ इसमें कोई बात है, हमारी शंकाओं को दूर कर देता है। ये सबसे प्रमाण है संत को पकड़ने का। अगर आप किसी संत को पकड़ना चाहते हो संतों का सत्संग करके देख लीजिए और फिर अपने मन को टटोलिए किस संत के संग ने मेरे मन पे प्रभाव डाला कि हाँ अब मेरे अज्ञान की गुत्थियां खुली हैं, ये प्रभाव किसने डाला, तो समझ जाइएगा कि बस वो वास्तविक संत है, उसको गुरु बनाना चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात कि जब हम किसी संत का सत्संग करते हैं तो उसके सत्संग का ध्यान दीजिए, तीन बातें हैं बस, बहुत जल्दी 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 बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। जब हम किसी संत का सत्संग करते हैं तो उसके सत्संग का एक नेचुरल रिएक्शन होता है, एक नेचुरल एक अपने आप स्वाभाविक हमारे अंतःकरण पर उसका एक प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव? कि हमारा मन संसार से हटने लगता है और भगवान में लगने लगता है। ये संत के संग का नेचुरल रिएक्शन है, ये अपने आप होगा, यानी हमारा मन भगवान में लगने लगेगा, हमारा मन संसार से हटने लगेगा, ये संत के सत्संग से अपने आप होगा। देख लेना, आपको कहना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होता है। जैसे आग जल रही है, आग का काम क्या है? हमारी ठंड को दूर करना, गर्मी देना, है ना। अब मान लो आप ठंड से कांप रहे हैं, 20 कदम की दूरी पर आग जल रही है, आग कहती मेरे पास आओ तुम्हारी ठंड चली जाएगी। आप आग के पास गए 10 कदम की दूरी पर, क्या हुआ? हाँ, थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी, ठंड जाने लगी। और आग के पास पहुंच गए 5 कदम की दूरी पर, और गर्मी आ गई और ठंड चली गई। बिल्कुल आग के पास खड़े हैं, सब ठंड चली गई, पूरी गर्मी आ गई। आपको कहना तो नहीं पड़ रहा आग से, क्यों रही आग, मैं तेरे पास खड़ा हूँ, चल मेरी ठंड को दूर कर। नहीं, अपने आप हो रहा है। ऐसे ही संत के संग का ये नेचुरल रिएक्शन होगा कि जब आप संत का सत्संग करेंगे तो अपने आप आपका मन देखना संसार से हटने लगेगा और भगवान में लगने लगेगा, ये अपने आप होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि देखिए संत के सत्संग का प्रभाव लेकिन सब पर एक सा नहीं होता। अगर 1000 लोग संत का संग कर रहे हैं तो सब पर संत का एक सा प्रभाव हो जाए, सबका मन संसार से हट जाए, सबका मन भगवान में लग जाए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अगर एक परिवार के 4 लोग संत का पास जा रहे हैं तो सब पर संत का एक सा असर हो, ऐसा नहीं होगा। देखिए हमारे अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ही संत का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हमारा मन 50% शुद्ध है तो 50% संत का प्रभाव पड़ जाएगा, 50% हमारा मन संसार से हट जाएगा और 50% भगवान में लग जाएगा। हमारे अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार होता है। अगर हमारा मन एकदम मलिन है, पाप युक्त है, हम संत को देखकर गाली देते हैं, संत का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे एक चुंबक है, आप चुंबक के चारों ओर सुइयां खड़ी कर दो बराबर दूरी पर, और एक सुई प्योर लोहे की, एक में थोड़ी मिलावट और थोड़ा लोहा, एक में और अधिक मिलावट कम लोहा, और एक प्योर मिलावट की लोहा है ही नहीं, तो क्या होगा? तो जो प्योर लोहे की सुई है वो तुरंत जाकर चुंबक से चिपक जाएगी, और जिसमें थोड़ी मिलावट है वो धीरे धीरे खिसकेगी चिपकेगी, और जिसमें और अधिक मिलावट है वो अपनी जगह हिलती रहेगी।
और जिसमें प्योर मिलावट है, लोहा है ही नहीं। आप चुंबक को लोहे पर रखो, लोहे को चुंबक पर रखो, वापस में चिपक नहीं सकते। ऐसी संत चुंबक के समान होते हैं, चुंबक के समान होते हैं। हमारे अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार वो खींचेंगे। हमारा मन, एक चार लोग अगर संत के पास गए, एक का मन ज्यादा शुद्ध है, वो देखते ही तुरंत भगवान को पा लेगा। एक का मन कम शुद्ध है तो देखेगा, कहेगा हाँ इनको गुरु बनाना चाहिए। एक देखकर कहेगा ये तो हमारे जैसे दिख रहे हैं, काय संत है, और एक देखेगा अरे गाली देगा। एक ही परिवार का एक भाई मान रहा है संत को, दूसरा गाली दे रहा है। ये तो प्रैक्टिकल आप संसार में देखते ही है। इसलिए संत का प्रभाव एक सा नहीं होता। इसलिए अगर आपको किसी संत को पकड़ना है, संत नहीं करते। अगर कोई बाबा आप लोगों को डराए आपके घर में आके, बेटा ऐसा करो, मेरी ये बात मानो, ऐसा करो वरना तुम्हारे घर में अनिष्ट हो जाएगा, तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल साक्षात कहेंगे, संस्कृत में नहीं बोलेंगे तो क्या भगवान नहीं सुनेंगे? क्या भगवान क्या भाषावाद होता है कि बेटा संस्कृत में बोलो तभी मैं सुनूंगा? ये कहां लिखा है? भावग्राही मनि डाक्यम। भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप कोई नाम लो। ये क्या देते हैं बाबा लोग? मंत्र देते हैं भगवान का नाम, और फिर कहते किसी को बताना नहीं तुम्हारे लिए। हाँ, बहुत सारे मंत्र हैं आजकल के संप्रदायों के। कोई श्री कृष्ण शरणम आया है अपने वेदों में, और वो है भक्ति मार्ग। भक्त्या मे कयाग्राय श्रद्धयात्मा पुनस्सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक है श्रीमद् भागवत में। उद्धव से कहते हैं कि उद्धव अगर मुझे जीव पाना चाहता है तो मुझे पाने का केवल एक मार्ग है, वो है भक्ति। मैं भक्ति से ग्राह्य हूँ, अन्य किसी साधन से नहीं। ठीक है, साइड बाय साइड आप कर्म धर्म भी करते रहो, लेकिन भक्ति प्रमुख है। इसलिए बिना भक्ति के, बिना प्रेम के भगवान कभी किसी को नहीं मिलते। भक्ति युक्त ज्ञान कल्याणकारी, भक्ति युक्त हर कर्म कांड कल्याणकारी, बिना भक्ति के नहीं, बिना प्रेम के नहीं। यहाँ तक श्री कृष्ण कहते हैं धर्म सत्योदयोपेते विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्या पेत्मानम। श्रीमद् भागवत में अगला ही श्लोक है इसका, इसमें भगवान कहते हैं कि ऐ जी ध्यान से सुना, भगवान कहते हैं तुम कुछ भी करो, बड़े से बड़ा तप करो, व्रत करो, दान करो, कितने भी कर्म कांड कर डालो, ये कर्म कांड ज्यादा से ज्यादा तुम्हें स्वर्ग दे देंगे, वो भी हमेशा के लिए नहीं। और इसमें भी भगवान कहते हैं कि जितने कर्म कांड है ये अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं कर सकते। भगवान तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। मन भी शुद्ध नहीं होता किसी कर्म कांड का पालन करने से बिना भक्ति के। और सबसे पहला काम हम जीवों का क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना। यही मन तो गंदा है वो भी नहीं होता। ठीक है, पुण्य कर्म करने से कुछ पाप के धब्बे मिट जाते हैं, लेकिन जो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा पूर्ण रूप से, कल्याण नहीं करेगा, वो केवल भक्ति करती है। इसलिए भक्ति युक्त कर्म धर्म कल्याणकारी है। भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे भगवान हमें मिल सकते हैं इस कलयुग में, खासतौर से जल्दी और कोई मार्ग नहीं। इसलिए मैंने आपको अच्छे से इस प्रश्न का समाधान कर दिया कि आज हमारे संसार में इतने मार्ग क्यों चल रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और फिर ये भी मैंने आपको बताया और कौन से मार्ग से भगवान मिलेंगे, वो है भक्ति मार्ग। बाकी जितने बड़े से बड़े मार्ग चल रहे हैं वो बिना भक्ति के कोई कल्याणकारी नहीं है। हर कर्म कांड में, हर मार्ग में नियम होते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो भक्ति हमें करनी है। अब ये भक्ति कैसे करनी है, कैसे भगवान से प्रेम करना है, उसमें क्या नियम है, और किस भाव से भगवान से हमें प्रेम करना है, अब ये सारे विषय बताऊंगी मैं। पर एकदम सरस है क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है, और प्रेम के मार्ग में तो बस रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, सरस ही सरस है। इसलिए अब भगवान के प्रेम मार्ग पर हम समझेंगे, लेकिन इस
प्रश्न को हम लोग कल समझेंगे, लेकिन अभी जो एक प्रश्न बचा है उसको हमें समाधान करना है, जो कल मैंने रखा था, और वो क्या है? संतों की पहचान। शुरू में नहीं बताया मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आए हैं और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इस चीज को सुने, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जरूरी है हमें ये समझना कि संत को आज के समय पर कैसे पहचाना जाए, क्योंकि संत इतने गड़बड़ काम करते हैं, हम कैसे जानेंगे कि ये संत सही है कि ये गलत है, इसको गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो ये हमको अब समझना है, बस 15 मिनट का विषय है, इसे ध्यान देकर सुनिएगा। के कहने सुनने से किसी को संत नहीं मान। आपके दोस्त ने कह दिया, आपके रिश्तेदार ने कह दिया कि वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, चलो चलो इनको गुरु बना लो, ये कोई पहचान नहीं होती संत को मापने की। मैं जो जो बातें शास्त्रों के अनुसार आप लोगों को बताने जा रही हूँ, संतों की पहचान, पहले वो सारी बातें उस संत के अंदर देखो, तब जाकर के आप उसको संत मानो। अगर एक भी कमी है उस संत में तो वो गुरु बनने योग्य नहीं रहा, इसलिए ध्यान लेकर के सुनेगा। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि संतों में कौन कौन सी बातें नहीं होती, तब मैं बताऊंगी कि संतों में कौन कौन सी बातें होती हैं। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, मैं ज्यादा गहराई से नहीं बताऊंगी, जितना आप लोगों के लिए जानना जरूरी है उतना ही बताऊंगी, इसे ध्यान देकर। पहली बात, जो वास्तविक संत होते हैं, वास्तविक संत होते हैं, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप किसी संत के पास जाते हैं तो वास्तविक संत कभी भी हम जीवों को संसार का सामान नहीं देता, सबसे पहली बात। और यही हमारी गाड़ी अटकती है, हम संतों के पास जाते हैं इसीलिए कि हमको उनसे संसार का सामान मिलेगा, बेटा नहीं हो रहा बेटा हो जाए, लड़की की शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, नौकरी नहीं लग रही नौकरी लग जाए, हम संतों के पास जाते ही इसीलिए कामनाओं को लेकर के, कि संतों के पास जाओगे उनसे जो मांगोगे वो मिलेगा। तो इसलिए आज कान खोलकर आप सुन लीजिए, जो संत हम जीवों को संसार का सामान देने का ढोंग करते हैं वो वास्तविक संत नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वास्तविक संत का काम क्या है? हमें भगवान से मिलाना, हमारा कल्याण करना, हमें सदा के लिए सुख प्रदान करना, सदा के लिए दुखों से छुट्टी दिलाना, ये संत का काम है। इसलिए वो धरती पर हम जीवों के बीच में आता है, और वो संत जानता है किसी संसार के कारण ये जीव भगवान से प्यार नहीं करता। मैंने आपको पहले भी बताया संसार के स्वरूप में, कि हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं अपना अपना जरा विचार करें अंदर झांक कर कि हमारे पास कितना संसार है। एक दो घर होंगे, दो चार गाड़ियां होंगी, 10-12 का परिवार होगा, बस कुछ पैसे जमा होंगे बैंक में, बस इतने बड़े ब्रह्मांड में इतना सा संसार है हमारा, एक बिंदु के बराबर भी नहीं। तब तो ये हाल है कि हमारा भगवान से प्यार नहीं हो पाता, हम भगवान के लिए ध्यान नहीं कर पाते, उनमें मन नहीं लगा पाते, उनके प्रति सही से श्रद्धा नहीं हो पाती। तो सोचिए इतना सा संसार है तो हमारी ऐसी हालत है कि हमारा प्यार नहीं हो पाता भगवान से, और अगर संत संसार दे दे तो क्या हम भगवान से प्यार कर पाएंगे? तो संत कैसे दे देगा? वो संत जानता है किसी संसार के कारण भी जीव भगवान से प्यार नहीं करता, तो वो संत कैसे दे दे वो संसार, ताकि वो आपसे और भगवान से आपको वो और दूर कर दे। इसी संसार के कारण अनंत जन्मों से हम अपने प्रभु से दूर हैं, ये 10-12 लोगों के कारण, तो और संसार कैसे दे दे संत। इसलिए कभी भी याद रखिए कि वास्तविक महापुरुष कभी किसी को संसार का सामान नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि संसार के कारण ये जीव भगवान से प्यार नहीं करता। इसलिए अगर कोई संत संसार का सामान देने का ढोंग करे तो समझ जाओ कि वो वास्तविक संत नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात कि वास्तविक संत कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि उनके पास भगवान की सारी शक्तियां रहती हैं, लेकिन फिर भी वो चमत्कार नहीं दिखाते। और अगर कोई संत चमत्कार करते हुए हमें संसार में दिखाई दे
तो समझ जाइए कि वो संत नहीं है। बहुत ध्यान देकर के सुनिएगा, तीन प्रकार की सिद्धियां होती हैं, चार प्रकार की, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस और एक होती है गुणातीत सिद्धि। तो तामसी सिद्धि माने, जैसे संसार में ऐसे बाबा लोग बहुत होते हैं, जैसे कुछ भी प्रकट कर देना अचानक से, अचानक भभूत आ गई, अचानक कमंडल में कुछ नहीं था बहुत कुछ आ गया, या तांबे को सोने में बदल दिया, ये जो ये सिद्धियां होती हैं ये तामसी सिद्धियां कहलाती हैं। ऐसे बाबा लोग बहुत है संसार में, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, ये तामसी सिद्धि है, ऐसे जो सिद्धियां दिखाते हैं बाबा लोग, ये सब मरने के बाद नरक जाते हैं, और जो इन बाबाओं के चक्कर लगाता है ना वो भी पीछे पीछे नरक ही जाता है। ये तामसी सिद्धि है, ये सब बाबा माया के अधीन है, ये तामसी सिद्धि। एक होती है उससे ऊंची राजसी सिद्धि। राजसी सिद्धि कौन सी होती है? राजसी सिद्धि शायद आपने संसार में देखी हो, जिससे मनुष्य की रक्षा की जाए, ऐसी सिद्धियां होती हैं जो मनुष्य की रक्षा के हेतु काम में आती हैं, जो संत ऐसी सिद्धियां संसार में हो किसी के पास। और एक होती है उससे ऊंची सात्विक सिद्धि। सात्विक सिद्धि यानी ऐसे बाबा लोग संसार में अगर कोई मिल जाए आपको सात्विक सिद्धि वाला, आप उसको भगवान से कम नहीं समझोगे। बहुत ध्यान देकर सुनिए, जैसे आग पर चलना, पानी पर चलना, ये इतने हल्के हो जाना कि फूंक मारो तो सीधा लंदन जाकर गिर, या इतने भारी हो जाना अंगद की तरह हजार लोग भी हिला ना सके, या आप उनके पास जाएंगे वो आपके अंदर घुस के आपके मन की बात को जान लेंगे और बाहर आकर बता देंगे बेटा तुम ये सोच रहे हो ना। हाँ, ऐसे बाबा लोग आजकल बहुत हमारे संसार में, और आप उनको भगवान से कम नहीं समझेंगे। अरे मैं ये सोच रही थी, सोच रहा था, बाबा जी ने गुरु जी ने तुरंत बता दिया। ये सब सात्विक सिद्धियां हैं, है सात्विक राजस तामस, ये तीन माया के गुण हैं। ये जीव सब संत माया के अधीन है, जो ऐसे बाबा लोग करते हैं ये सब माया के अधीन है। और एक होती है चौथी गुणातीत सिद्धि, ये संतों के पास रहती है। ये होती है एक तो मोक्ष और एक होता है प्रेम। ध्यान दीजिएगा, गुणातीत सिद्धि संतों के पास रहती है, और एक होता है मोक्ष और एक होता है प्रेम। ये दोनों सिद्धियां संतों के पास रहती हैं। और आप जानते हैं ये जो संत होते हैं ना, ये मोक्ष को भी लात मारते हैं। दीयमानं न गृह्णन्ति, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व मत्वा, दीयमानं न गृह्णन्ति, देने पर भी भगवान के संत लोग मोक्ष को नहीं अपनाते, मुक्ति को भी ठुकरा देते हैं। भगवान के देने पर भी मोक्ष नहीं चाहते संत, भगवान के भक्त। हमें नहीं चाहिए ये मुक्ति मुक्ति, क्या चाहते हैं? केवल प्रेम, बस भगवान का प्रेम। तो सोचिए, जो संत भगवान के देने पर भी मुक्ति को लात मार देता है, वो संत आप लोगों की वाहवाह पाने के लिए चमत्कार दिखाए। अरे संत कौन होते हैं? जिनके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये रेणु भी, भगवान जिसके पीछे पीछे चलते हैं संत के, क्यों? उसकी चरण धूली पाने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए। सोचिए, जिसके पीछे संत के पीछे भगवान चलते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, इतनी ऊंची पर्सनैलिटी है संत, वो संत आप लोगों के वाहवाह पाने के लिए चमत्कार दिखाई। जिसके पीछे संत भगवान चलते वो गुरु नहीं बनने योग्य। आप लोग बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, गलत, चमत्कार को दूर से नमस्कार है। ऐसे बाबाओं के पास नहीं जाना, वो गुरु बनने योग्य नहीं। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, संक्षेप में बता दी, ठाकुर जी के साथ झूला लीला का आनंद ले सके। इसे ध्यान देकर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि वास्तविक संत को कैसे